हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में नर्सिंग फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक आइसोलेशन प्रिकॉशन या बैरियर नर्सिंग के नाम से हम इसको जानते हैं लर्न करेंगे। यह इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट का टॉपिक है। इसके अंदर हम डिफरेंट आइसोलेशन टेक्निक्स जो नर्सिंग में यूज़ की जाती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, एंट्रिकल आइसोलेशन, बोन स्किन आइसोलेशन, ब्लड आइसोलेशन को, और यहाँ पर जनरल प्रिकॉशंस फॉर वेरियन नर्सिंग और आइसोलेशन प्रिकॉशन को लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लर्न कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आइसोलेशन प्रिकॉशन और वेरियन नर्सिंग। आइसोलेशन प्रिकॉशन, जिसको हम बैरियर नर्सिंग के नाम से जानते हैं, ये बैरियर नर्सिंग और आइसोलेशन टेक्निक्स इज इंटेंड टू कन्फाइन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन ए गिवन और रिकॉग्नाइज्ड एरिया। बैरियर नर्सिंग, बैरियर प्रिकॉशंस और आइसोलेशन टेक्निक्स। आइसोलेशन प्रिकॉशंस मीन्स इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, में से जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, उनको एक निश्चित एरिया में कन्फाइन करने का हम जोड़ देते हैं। मीन्स ये मीन्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है, वो एक लिमिटेड एरिया में कन्फाइन रहे, वहाँ से फैले नहीं और इन्फेक्शन एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैले नहीं। तो दिस इज़ द बैरियर एंड आइसोलेशन नर्सिंग। देर आर नंबर ऑफ आइसोलेशन टेक्निक्स एंड प्रिकॉशंस यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। मीन्स इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत सारे आइसोलेशन टेक्निक्स और प्रिकॉशंस और बैरियर नर्सिंग यूज़ की जाती है, जिससे की सहायता से हम इन्फेक्शन को रोकते हैं और इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हो पाता। तो इसको कहते हैं बैरियर नर्सिंग या आइसोलेशन प्रिकॉशन। तो यहाँ पर फर्स्ट जो टेक्निक है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, दिस इज ये रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इज इंडिकेटेड इन सिचुएशन वेयर द पैथोजेंस आर स्प्रेड ऑन ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी आइसोलेशन टेक्निक को हम जब यूज लेंगे जब इन्फेक्शन ड्रॉपलेट के थ्रू, मीन्स जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होंगे, और मेनली इसका एग्जिट होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, मीन्स बोलते समय, छींकते समय, खांसते समय। नेक्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन मेक श्योर जनरली वर्न बाय द नर्सेज। हियर इन दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन मास्क आर जनरली वर्न बाय द नर्सेज। इस आइसोलेशन टेक्निक के अंदर हम जो मेन हमारा आइसोलेशन रेस्पिरेटरी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारा मेन फोकस होगा कि जो भी नर्स हेल्थ पर्सनल से वो मास्क बेयर करें, हमेशा मास्क का यूज़ करें। गाउन्स आर आल्सो बॉर्न व्हेन केयरिंग फॉर द स्मॉल इन्फेंट्स बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रूलिंग बाई द इन्फेंट्स। इसके साथ साथ जो नर्स पीडियाट्रिक यूनिट्स में काम कर रही हो ड्यूरिंग एज केयर ऑफ इन्फेंट्स, उनको गाउन बेयर करना है कि जो भी इन्फेंट का ड्रूल है, मीन्स एक तरह से सेलाइवा लार, वो नर्स के कपड़ों पर नहीं लगे। नेक्स्ट, व्हेन पॉसिबल द क्लाइंट आर टॉट टू कवर देयर नोज एंड माउथ विद द सेवरल लेयर ऑफ द टिश्यू पेपर और हैंड करचिप। इसके साथ साथ हमको क्लाइंट्स को बताना है कि आप मुंह ढक के रहें, मीन्स या तो टिश्यू पेपर से या जो भी आपका हैंड करचिप या रुमाल है। नेक्स्ट, टिश्यू पेपर यूज दे शुड बी डिस्पोज प्रॉपरली। यदि टिश्यू पेपर यूज़ करें तो उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। एंड हैंड करचिप आर क्लीन एंड डिसइनफेक्टेड बिफोर इट इज़ यूज अगेन। इसका साथ साथ जो भी हमने हैंड करचिप यूज़ किया, मिस रुमाल जो भी यूज़ किया, उसको क्लीन करना है और या फिर डिसइनफेक्ट करना है, मिस हम जब इसको अगेन यूज़ करें। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर्स, मीन्स उस रेस्पिरेटरी आइसोलेशन यूनिट में कम से कम नंबर ऑफ विजिटर्स आने चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन कम से कम पहले। प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल
कलेक्टिंग स्पुटम स्पेसिमेन फ्रॉम द क्लाइंट्स। इसके साथ साथ हमको प्रिकॉशंस जैसे फेस मास्क, गाउन्स ये यूज करना है जब हम स्पुटम स्पेसिमेन का स्पेसिमेन कलेक्ट करें। नेक्स्ट, व्हेन अटेंडिंग टू द क्लाइंट विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, द नर्स वुड कीप ए रीजनेबल डिस्टेंस टू प्रिवेंट द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड टू प्रिवेंट ब्रीथिंग कंटामिनेशन। इसके साथ साथ जब नर्स एंड पेशेंट का केयर कर रहे विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पेशेंट, तो उस समय एक निश्चित दूरी बना के रखें जिससे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन न फैले। नेक्स्ट, द नर्स सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज शुड नॉट अटेंडिंग द क्लाइंट। इसके साथ साथ जो नर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई जिस कुछ किसी भी प्रकार की डिफेक्ट डिजीज से अफेक्टेड जैसे COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तो उस नर्स को भी पेशेंट को अटेंड नहीं करना है। तो ये था रेस्पिरेटरी आइसोलेशन टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, एंट्रिक आइसोलेशन। हियर एंट्रिक आइसोलेशन इज इंडिकेटेड व्हेन द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड इन फीसेस। एंट्रिक आइसोलेशन हम जब यूज करते हैं जब पैथोजेंस के फीसेस के थ्रू फैलने के चांस रहते हैं। फीसेस इज एयर बेस्ड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बवल, मीन्स जो हमारा स्टूल है दिस इज फिकेस और एक्सक्रीटा। नेक्स्ट, फॉर दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन इट इज नॉट नेसेसरी टू वेयर मास्क, बट इट इज रिकमेंडेड दैट ग्लव्स एंड गाउन्स बी वॉर्न वाइल हैंडलिंग सोइल्ड आर्टिकल्स। मीन्स एंट्रिक आइसोलेशन में दिस इज नॉट कंपल्सरी टू वेयर मास्क, मीन्स यहाँ मास्क जरूरी नहीं है, पर यहाँ पर आपको नर्स को गाउन वेयर करना है, ग्लव्स वेयर करना है, और मास्क को भी कर सकता है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं कि मास्क गाउन मास्क यूज नहीं करना, मीन्स ये नर्स की बिलिंग्स पर डिपेंड है, वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। और यहाँ पर दिस इज कंपल्सरी टू यूज ग्लव्स एंड गाउन्स। नेक्स्ट, थोरो हैंड वॉशिंग शुड बी एम्फसाइज बोथ बाय द क्लाइंट्स एंड नर्स। एंट्रिक आइसोलेशन में जो भी हमको यूज टेक्निक्स चूज करना है उसमें हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट है, मीन्स फॉर पेशेंट और नर्स दोनों के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट, एस्क्रीटा में भी डिसइंफेक्टेड बाय एडिंग लाइम बिफोर डिस्पोज। जो भी एस्क्रीटा को हम डिस्पोज करने जा रहे हैं तो उसमें हमको लाइम लाइम मिक्स करना है। नेक्स्ट, द सोइल्ड आर्टिकल्स सच एज लिनन शुड बी डिसइंफेक्टेड बिफोर इट इज सेंट टू बी धोबी। जो भी एक्सक्रीटा फीसिस जो भी हमारा लिनन सोइल्ड हुआ है उसको हमको सबसे पहले डिसइंफेक्ट करना है, देन हमको धोबी के पास उनको धुलने के लिए भेजना है। तो ये था एंट्रिक आइसोलेशन। नेक्स्ट देखते हैं बोनडन स्किन आइसोलेशन। यार बोनडन स्किन आइसोलेशन, यार दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन इज फॉर द पैथोजेंस विच आर फाउंड इन द बोन एंड कैन बी ट्रांसमिटेड बाई द कॉन्टेक्ट विद द बोन्स बाई कॉन्टैक्ट विद द आर्टिकल्स कंटामिनेटेड विद द बोन डिस्चार्ज। बोन एंड स्किन आइसोलेशन में जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बोन फैलने के चांसेस रहते हैं डायरेक्ट बोन से, मीन्स जो उनके संपर्क में आते हैं, जो आर्टिकल्स बोन के संपर्क में आते हैं उनसे ये इन्फेक्शन फैलने के चांस है। तो हमको ये बोन और स्किन आइसोलेशन यूज करना है। यहाँ पर जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे, यूजुअली गाउन ग्लव्स आर वर्न इन दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन, मीन्स बोन एंड स्किन केसेस में हमको गाउन एंड ग्लव्स का यूज करना है। नेक्स्ट, सेफ डिस्पोजल ऑफ ड्रेसिंग एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द बोन एंड द डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल आर इम्पोर्टेंट पॉइंट मेम्बर सॉरी इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। मीन्स सेफ डिस्पोजल ऑफ ड्रेसिंग्स एंड डिस्चार्ज, मीन्स जो भी बोन का ड्रेसिंग है डिस्चार्ज जो भी हमने बोन्ड से कलेक्ट किया है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है, डिसइनफेक्ट करना है। नेक्स्ट, और जो भी आर्टिकल्स हैं उनको भी हमको ठीक ढंग से डिसइनफेक्ट करना है जो सीधे बोन्ड के कांटेक्ट में आए हो। नेक्स्ट, स्टिक टेक्निक्स शुड बी फॉलोड बाय केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद एब्सेस, बॉयल, इन्फेक्टेड बर्न, गैस, गैंग्रीन, एंथ्रेक्स, रेबीज, टिटनस, वेंड्रल डिजीज, स्केबीज एक्सेट्रा। ऑल आर्टिकल्स यूज फॉर दिस क्लाइंट शुड बी कैप सेपरेट, मीन्स जो भी स्ट्रिक्ट आइसोलेशन टेक्निक है जो हम जो भी स्किन डिसऑर्डर है बोन्ड के लिए कर रहे हैं उसमें मेनली जो बीमारी है एब्सेस, बॉयल, इन्फेक्टेड बर्न, गैस, गैंग्रीन, एंथ्रेक्स, रेबीज, टिटनस, वेंड्रल डिजीज, स्केबीज,
मीन्स जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है एनवीआर के, और जिनका भी ड्रेसिंग प्रोसीजर है वो आर्टिकल से हमको सेपरेट रखना है। नेक्स्ट, ग्रेट केयर शुड बी टेकन बाई द नर्स टू प्रिवेंट कट और एब्रेशंस ऑन दियर एंड्स। मीन्स इसके साथ साथ जो भी नर्स स्किन एंड बोन इन आइसोलेशन में जो पेशेंट को केयर करे उनको स्पेशल प्रिकॉशंस रखना है कि इन्फेक्शन नहीं फैलेना। नेक्स्ट, फ्रिक्वेंट एंड थोरा हैंड वाशिंग रिड्यूसेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। और इसके साथ साथ हमको हैंड वाशिंग समय समय पर करना है जिससे कि इन्फेक्शन के फैलने के बहुत कम चांस हो। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, ब्लड आइसोलेशन। इन दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन इज इंटेंड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस दैट आर फाउंड इन ब्लड। ब्लड आइसोलेशन में हम ट्रांसमिशन रोकेंगे जो भी पैथोजेंस ब्लड में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, एनी इक्विपमेंट दैट कम इन द कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट ब्लड शुड बी केयरफुली डिसइनफेक्ट बिफोर टचिंग अनदर ऑब्जेक्ट और पर्सन। मीन्स जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्लड से जो भी आर्टिकल्स कंटामिनेटेड उनको हमको प्रॉपरली डिस्पोज करना है, मीन्स फिर से यूज़ करने से पहले। नेक्स्ट, द यूज ऑफ मॉस्किटो नेट एंड आर ऑल्सो एम्फसाइज टू प्रिवेंट द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इसके साथ साथ ब्लड आइसोलेशन में हमको मॉस्किटो नेट यूज़ करना है जिससे कि इन्फेक्शन हम मच्छरों के फैलने से रोक सकें। नेक्स्ट, जनरल प्रिकॉशंस इन बैरियर नर्सिंग और आइसोलेशन टेक्निक्स और आइसोलेशन प्रिकॉशंस। हेयर फर्स्ट, मेंटेन ए हाई डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस, हमको साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हेल्थ टीचिंग द क्लाइंट एंड हिज रिलेटिव्स आर टू बी टॉट अबाउट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन। इसके साथ साथ हमको क्लाइंट्स और उसके फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स को इन्फेक्शन के बारे में बताना है कि इसका स्प्रेड किस तरह होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह होता है, और इन्फेक्शन को हम किस तरह से रोक सकते हैं, इससे किस तरह से बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिनिमाइज द नंबर ऑफ विजिटर्स। चिल्ड्रंस अंडर 10 ईयर्स शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इन टू द हॉस्पिटल वार्ड। इसके साथ साथ हमको कम से कम विजिटर्स को अलाउ करना है जिससे इन्फेक्शन न फैले, और जो भी छोटे बच्चे मिले 10 साल से छोटे उनको हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करना है जिससे कि इस इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो सके। नेक्स्ट, एम्फसाइज ऑन हैंड वॉशिंग, वॉश हैंड आफ्टर एलिमिनेशन बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर हैंडलिंग द क्लाइंट और हिज आर्टिकल। इसके साथ साथ हमको हैंड वॉशिंग पर जोर करना है, जोर देना है, मीन्स किसी भी प्रोसीजर से पहले और बाद में हैंड वॉशिंग करना है, आफ्टर एलिमिनेशन हैंड वॉशिंग करना है, खाने से पहले हैंड वॉशिंग करना है, किसी भी क्लाइंट्स की केयर और हैंडलिंग के समय हैंड वॉशिंग करना है, आर्टिकल्स को यूज़ करने के बाद यूज़ करने से पहले हैंड वॉशिंग करना है। नेक्स्ट, कीप टॉयलेट आर्टिकल सेपरेट फॉर ईच पर्सन। मिस जो भी टॉयलेट आर्टिकल्स मिस सेपरेट है उनको सेपरेटली यूज़ करना है जिससे कि इन्फेक्शन कम से कम फैले। नेक्स्ट, ऑल पर्सनल केयरिंग फॉर सिक एंड आल्सो द पब्लिक शुड हैव द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज। मीन्स जो भी पर्सनल्स कम्युनिकेबल डिजीज सफर्ड पेशेंट को केयर कर रहे हैं उनका इम्यूनाइजेशन हमको इंश्योर करना है जिससे कि डिजीज नहीं फैले। नेक्स्ट, पर्सन विद लोअर रेजिस्टेंस, क्लाइंट विद एनीमिया आफ्टर रेडिएशन शुड बी प्रोटेक्टेड। इसके साथ साथ जिन पेशेंट या पर्सन का इम्यूनिटी कमज़ोर है, एनीमिया है, और उन पेशेंट को हमको स्पेशल आइसोलेशन प्रोवाइड कराना है जिससे कि इन्फेक्शन के फैलने के चांस बहुत कम हो। नेक्स्ट, एज फार एज पॉसिबल क्लाइंट शुड बी नर्स इन सेपरेट रूम। इफ सेपरेट रूम आर नॉट अवेलेबल देयर शुड बी एटलीस्ट सफिशियंट स्पेस बिटवीन द बेड्स। स्क्रीन में बी प्रोवाइडेड टू सेपरेट सेपरेट वन क्लाइंट फ्रॉम अदर। मीन्स इसके साथ साथ हमको आइसोलेशन में ध्यान रखना है कि मीन्स जो भी पेशेंट है उसको सेपरेट रूम प्रोवाइड कराना है हॉस्पिटल में अवेलेबल हो। यदि अवेलेबल नहीं है तो मीन्स दो क्लाइंट्स के बीच एक निश्चित दूरी हमको मेंटेन करना है जिससे इन्फेक्शन के फैलने के चांस कम से कम हो, या फिर क्लाइंट्स के बीच में हमको स्क्रीन का यूज़ करना है जिससे कि हम सेपरेट कर सकें वन क्लाइंट को अदर को, जिससे हम डिफरेंट इन्फेक्शन से
बच सकें। फ्रेंड्स, ये था आइसोलेशन प्रिकॉशन बैरियर नर्सिंग या आइसोलेशन टेक्निक। इसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी आइसोलेशन पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एंट्रिक आइसोलेशन, नेक्स्ट पढ़ा था बोन एंड स्किन आइसोलेशन, नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा था वाइट ब्लड आइसोलेशन एंड जनरल प्रिकॉशंस फॉर द बैरियर नर्सिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनन नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। थैंक यू।